बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। टुडे इज़ मंडे एंड आवर फर्स्ट क्लास इज़ इंग्लिश। क्लास में हमें कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है? ज़िमल, इरहा, कामरान, तूबा, हसन, वेलकम टू द क्लास। लगता है बाकी सब बच्चे अभी तक सो रहे हैं। ओके, नाउ टेक आउट योर इंग्लिश प्राइमर टेक्स्ट बुक। आज का जो हमारा इंग्लिश का लेसन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट हम रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेटर्स को, देन एक छोटी सी एक्टिविटी है वो हम करेंगे टेक्स्ट बुक पर ही। इट्स पेज नंबर 1। फर्स्ट लेटर इज ए, 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 एप्पल, ए, ए, एंट, ए, ए, एरोप्लेन, एप्पल, एंट, एरोप्लेन। नेक्स्ट लेटर इज एडमिशन नंबर B, its letter B. Look at the B. B has a big tummy. B, 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 balloon. B, b, balloon. B, b, bag. B, b, bag. B, b, ball. B, b, ball. Okay, what comes after letter B? Okay, it's letter C. C. And what is the sound of C? K. K. C. K. Cab. C. K. Cat. C. K. Carrot. Cab. Cat. Carrot. Now take out page number 6. It's letter D. D. And what is the sound of D? D, D, D. D, D, D. D, D, doll. D, D, duck. D, D, door. Look at the letter D. लेटर डी हैज़ अ लिटिल टेल। लेटर डी का भी बिग सा टमी होता है और इसकी छोटी सी टेल होती है। इट्स लेटर डी, ड, ड, ड। ओके, टेक आउट पेज नंबर 7। आवर नेक्स्ट लेटर इज लेटर ई, ई। It's letter E. And what is the sound of E? E. What is the sound of E? E. 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 I. E. E. I. E. E. Egg. E. E. Egg. E. E. Eagle. E. E. Eagle. Eagle. It's eagle. Okay, what comes after letter E? It's letter F. 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 And what is the sound of F? What is the sound of F? Okay, F, flag. F, frog. F, flower. F, flag. F, frog. F, flower. हम लेटर F तक पढ़ चुके हैं। A to F हमने रिवाइज कर लिए हैं लेटर साउंड्स विद वोकैबुलरी। अब हम आते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। पेज नंबर 9 और 10 पे
छोटी सी एक्टिविटीज हैं, तो आप सब बच्चे अपनी पेंसिल, रूलर, इरेजर अपने पास रख लीजिए। ओके, वेलकम मनाया जीशान, वलीद, महद, हाशिर अहमद, इट्स पेज नंबर 9। टेक द ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट विद द लेटर डी। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अब लेटर डी से जो वोकैबुलरी शुरू होती है, लेटर डी में हमने जिस जिस चीज़ का नाम पढ़ा था, अगर आपको वो याद है तो आपने उस पिक्चर के आगे ये छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक के अंदर आपने टिक ऐसे लगाना है, जैसे ये ऊपर है टिक, ठीक है। लेटर डी से अब कौन कौन सी वोकैबुलरी हमने पढ़ी थी, हम दोबारा से देख लेते हैं। डी द डॉल, डी द डक, डी द डोर, ठीक है। अब जहाँ पे डोर बना होगा, डक और डॉल, इन पिक्चर्स के आगे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे हम टिक लगाएंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम टिक लगाएंगे, आप बच्चों को टिक लगाना नहीं आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे डॉट लगा के बताऊंगी। आपकी मामा भी आपके लिए इसी तरह से डॉट लगा लें, तो फिर आपको उन डॉट्स को ज्वाइन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, इट्स डोर, डी ड डोर, डोर स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी ड, डोर स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी ड। तो यहाँ जो ब्लॉक है इसमें हम टिक लगाएंगे। अब टिक कैसे बनता है, वन डॉट हम यहाँ पे और फिर एक इसके नीचे और एक यहाँ लगाएंगे। यहाँ मैंने थ्री डॉट्स लगाए हैं। ये देखिए, वन टू थ्री। अब आप बच्चों ने क्या करना है, पहले इस डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे और फिर इस डॉट को ऊपर वाले डॉट से मिलाएंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये टिक बन जाएगा। ओके, डी द डोर, अब यहाँ हमने टिक लगा लिया। नेक्स्ट पिक्चर इज ईगल, ईगल स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी, नो इट्स स्टार्ट फ्रॉम लेटर ई, ईगल शुरू होता है लेटर ई से, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको वैसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे। हमने जस्ट लेटर डी से जो वोकैबुलरी शुरू होती है हमने उनके आगे टिक लगाना है। नेक्स्ट पिक्चर, इट्स फ्लैग, फ्लैग स्टार्ट फ्रॉम लेटर एफ, एफ फ्लैग, तो यहाँ जो ब्लॉक है इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो लेटर एफ से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इट्स डॉल, डॉल स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी ड डॉल, डी ड डॉल। अब लेटर डी से डॉल स्टार्ट होता है तो यहाँ पर भी हम टिक लगाएंगे। फर्स्ट आपने यहाँ डॉट लगाना है, दूसरा यहाँ, और जो थर्ड डॉट आएगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, थोड़ा स्पेस के साथ। ये डॉट आपकी मम्मा आपके लिए लगाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ इस डॉट को ज्वाइन कर लिया और फिर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले गए, ये टिक बन जाएगा। अगर आपको वैसे ही टिक लगाना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही टिक लगा लें, और अगर नहीं आता तो आप मम्मा को बोलें कि आपके लिए डॉट्स लगाएं और फिर आपने उन डॉट्स को ज्वाइन करना है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर, इट्स फ्रॉग, फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम लेटर एफ, तो हम इसको भी टिक नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पिक्चर, इट्स डक, डी ड डक, डी ड डक, डक स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी ड, तो यहाँ भी हम टिक लगाएंगे। फर्स्ट हमने यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया, देन ऊपर की तरफ ले गए।
ठीक है, अब ये हमारा जो ए पार्ट है ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। जॉइन द लेटर ई विद द रेलेवेंट पिक्चर्स। पहले हमने लेटर डी से स्टार्ट किया था, अब लेटर ई। अब लेटर ई से हमारे पास जो वोकेबलरी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो आपको आसानी होगी ज्वाइन करने में, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने पास रूलर ले लीजिए। फर्स्ट पिक्चर इज डोर, इट्स स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी, तो हम इसको ई के साथ मैच नहीं करेंगे। एग, एग स्टार्ट फ्रॉम लेटर ई। अब एग जो है लेटर ई से ही स्टार्ट होता है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और रूलर आप बच्चों को अगर होल्ड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद रूलर को आराम से ज़ोर से यहाँ से पकड़ के और फिर लाइन लगाएंगे। और अगर नहीं आता तो आपकी मम्मा आपके लिए यहाँ से ऐसे इसको ज़ोर से इस तरह से फिंगर रखेंगी और फिर आप बेटा खुद इस तरह से लाइन लगाइएगा बिल्कुल रूलर के साथ, ठीक है, तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी। ओके, नेक्स्ट इज केक, इट्स केक। केक स्टार्ट फ्रॉम लेटर सी ख, तो हम इसको भी ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इट्स आई, आई स्टार्ट फ्रॉम लेटर ई ए आई, तो हम आई और ई थोड़ा सा ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है रूलर देखें, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसके साथ मैच कर देंगे, मिला देंगे। कोशिश कीजिए कि रूलर के साथ आप लोग मैचिंग करें तो आपका काम नीट होगा, आपका जो बुक का पेज होगा वो नीट दिखाई देगा। अगर आप लोग हाथ से यूं ही लाइंस लगा देंगे वो टेढ़ी वेढ़ी लाइंस होंगी और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैग, फ्लैग स्टार्ट फ्रॉम लेटर एफ, कम टू द नेक्स्ट इट्स ईगल, ईगल स्टार्ट फ्रॉम लेटर ई, ई ए ईगल। बच्चों अगर आपने रीडिंग की हुई है, आपको वोकेबलरी याद है, लेटर नेम साउंड याद है, तो आपको मैचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने रीडिंग नहीं की, आपको भूला हुआ है, तो फिर आप लोग गलत पिक्चर को भी मैच कर सकते हैं। अच्छा, मैचिंग के बाद एक मरतबा फिर अपना काम चेक कर लें कि आपने मैचिंग बिल्कुल ठीक की हुई है। अगर कर ली है इसको कम्प्लीट, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 10। ओके, सर्कल द रेलेवेंट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। अब इसमें भी आपने वोकेबलरी को देखना है, वोकेबलरी कौन से लेटर से स्टार्ट होती है। नीचे देखें, टू लेटर्स राइट हैं, जिस लेटर से इस वोकेबलरी का नाम शुरू होता है आपने उस सर्कल को ट्रेस करना है। ये डॉटेड सर्कल है तो आपने इसी को ट्रेस करना है। पहले तो हमने खुद सर्कल लगाए थे ना, लेकिन अब ये डॉटेड सर्कल हमने ट्रेस करने हैं। दोनों लेटर्स को ट्रेस नहीं करना, जिस लेटर से वोकेबलरी का नेम शुरू होता है हम सिर्फ उसी को ट्रेस करेंगे। तो आप सब बच्चे साथ में वोकेबलरी का नेम पढ़ेंगे, फिर उसका लेटर का नेम बताएंगे और उसकी साउंड बताएंगे, ठीक है। आज ये एक्टिविटी हम बुक पे मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई एक्टिविटी आगे आएगी तो मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे और फिर हम इसको सर्कल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, तो फिर हम ये एक्टिविटी इस तरह से करेंगे। ओके, डॉल, डॉल स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी ड, डी ड इट्स लेटर डी ड, तो यहाँ का जो सर्कल है लेटर डी का हम इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब आपने इसको ट्रेस करना है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, आपकी मर्जी है। ओके जी, ये देखिए ये हो चुका है कंप्लीट। आपने दोनों लेटर्स को नहीं करना सर्कल,
ठीक है, वोकैबुलरी को पहले अच्छे से देखें, पढ़ें, अगर आपको पता है कि ये किस लेटर से स्टार्ट होता है आपने उसी लेटर को सर्कल करना है। नेक्स्ट डक, डी डक, डक, डक स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी, डी, डी डक, डक। तो हम यहाँ पर भी लेटर डी के सर्कल को ट्रेस करेंगे। ओके, इट्स एग, एग स्टार्ट फ्रॉम लेटर ई। 10 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट। एग स्टार्ट फ्रॉम लेटर ई, ई ए एग, ई ए एग। बच्चों आप जब वोकैबुलरी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपने वोकैबुलरी का नेम और उसकी साउंड, लेटर का नेम, ये साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। इस तरह से आपको जितनी वोकैबुलरी और लेटर्स आपके पास नए आते जाएंगे आपको याद होते जाएंगे। आपने डॉट्स को देखना है और डॉट्स पर सर्कल लगाने हैं। ये डॉट्स यहाँ पर इसीलिए दिए हैं आपको ताकि आप इसको आराम आराम से प्यारा प्यारा ट्रेस करें। ओके, अब ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद बच्चों मैं आपका काम लिखूंगी, तो आप सब बच्चों ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट अपना काम करके फिर मुझे दिखानी है, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से प्यारा प्यारा सर्कल करना है और डॉट्स इसीलिए यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि आप डॉट्स के ऊपर सर्कल करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज इट्स डोर, डोर स्टार्ट फ्रॉम लेटर डी, ड, डी, ड, डोर। तो हम लेटर डी का सर्कल ट्रेस करेंगे। ओके, लास्ट पिक्चर इज इट्स फ्रॉग, फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम लेटर एफ, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ एफ, सो सर्कल लेटर एफ। पेज नंबर 10 इज कंप्लीट। इट्स डी ड डॉल, डी ड डग, ई ए एग, एफ फ्लावर, डी ड डोर, एफ फ्रॉग। पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। महद इमरान, सॉरी महद अहमद, शो मी योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक। थोड़ी सी आप टेक्स्ट बुक ऊपर करें, दिखाई नहीं दे रही। ओके गुड, वलीद, थैंक यू महद अहमद, वलीद, 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 आई थिंक चार सदा का है। तूबा हसन, शो मी योर टेक्स्ट बुक। बेटा अपनी टेक्स्ट बुक कैम के सामने करें कि मैं देखूं आपका काम। तूबा हसन, आपको आवाज मेरी आ रही है? ओके, आई थिंक शायद तूबा के पास कोई है नहीं, उसको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि तूबा की तरफ से मुझे कोई
बच्चे पेज नंबर 9 और 10 हमने अभी किया है, वो मुझे दिखाएं। ओके गुड, ठीक है मैंने आपका काम देख लिया। तूबा हसन थैंक यू। ओके अनाया जिशान भी कर रही हैं काम, वेरी गुड अनाया जिशान। अनाया जिशान बीमार थी, आई होप कि अनाया अब ठीक हो गई होंगी, और अनाया से फिर हम बाद में बात करते हैं। ओके इरहा, इरहा कामरान आप ही अपनी टेक्स्ट बुक दिखाइए। ओके गुड वेरी गुड। और बेटा आप लोग जब ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो साथ ज़रूर लेटर का नेम साउंड पढ़ा करें। हाशिर अहमद, हाशिर अहमद, ओके वेरी गुड हाशिर अहमद थैंक यू। ओके जिमल, वेरी गुड जिमल, वेरी गुड। ओके सब बच्चे काम कर रहे हैं, वेरी गुड एक्सीलेंट। लेकिन मैंने अभी तक वलीद की बुक नहीं देखी। वलीद बच्चे आप डेली काम नहीं करते, ये क्यों? ये तो बहुत बुरी बात है। आप अपनी टेक्स्ट बुक दिखाएं मुझे। ओके अब हमने दोनों पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्लास का इतना ही काम था। अभी आपको एक मज़े की छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी पोएम हम दिखाते हैं, आई होप कि आप उसे इंजॉय करेंगे। ठीक है to you.